ये भाई तो माइलेज लेने के लिए रखी है, इसने भाई ने रख रखी है इस गाड़ी के धूम मचाने के लिए। बेसिकली खेतों वेतों में ही ज़्यादा काम आती है ये, हाईवे पे तो लेके इन्हें कहीं जाते नहीं है। तो कैसी लग रही है दोस्तों बाइक्स, कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और इसके देवा, देवा नाम है बाइक। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा देवा भाई का स्टंट, एक बार और उठा के देगा? दोस्तों ये दोनों बाइक आप देख पा रहे होंगे, पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप प्लीज़ बताइए देख के ये कौन सी बाइक खड़ी हुई है, प्लीज़ अभी कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और इसी के साथ में एक और है दूसरी, जिस पे लिखा है हीरो होंडा, और साथ में एक बनी हुई है जीप। आप अगर पहचान सकते हैं इन दोनों बाइक्स को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अभी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। दोस्तों आज की वीडियो में दोनों इन बाइक्स को चला के दिखाने वाले हैं कि कैसी चलती हैं, कैसा परफॉर्मेंस है। ये जो आपको बाइक दिखाई दे रही है दोस्तों, जिस पे लिखा हुआ है यामा, ये है यामा की RX 100, जिस पे मेरे भाई ने, छोटे भाई हैं दोनों ये, इन्होंने देखिए बिल्कुल सेम मॉडिफिकेशन कराई हुई है, और इस पर लिखवाया हुआ है गोली जाट। जी हाँ, गोली जाट की बाइक है ये। ये देखिए इस पे इसी तरीके से बिल्कुल सेम जो मिलिट्री कलर आता है ग्रीन कलर, उसकी टेपिंग कराई गई है, और सेम ही इसमें तो डले हुए हैं अलॉय व्हील। और ये जो इधर वाली बाइक है दोस्तों, ये है हीरो होंडा की CD 100। CD 100 है दोस्तों, ये भी उसी टाइम की बाइक है जब RX 100 आती थी। तो RX 100 का जो माइलेज था दोस्तों वो बहुत कम था, लेकिन पिकअप परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक किसी को आगे नहीं आने देती थी। चोरों की, क्रिमिनल्स की पहली पसंद अगर उस टाइम पे कोई होती थी तो वो ये वाली बाइक थी। और अगर किसी भाई को माइलेज लेना होता था, इकोनॉमिकल बाइक लेनी होती थी, तो हीरो होंडा की CD 100 लोहा लाट बाइक, इनमें कहीं भी कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया जाता था, सिर्फ हल्की फुल्की सी लगभग 90 kg की दोनों बाइक होती थी। ये वाली बाइक माइलेज देती थी कहीं ना कहीं 80 तक माइलेज निकाल देती थी, 70 से 80 के बीच में, और ये देती थी 30 से 35 तक। जिसको पावर पिकअप परफॉर्मेंस चाहिए वो ये बाइक खरीदता था, जिसको इकोनॉमिकल बाइक चाहिए अपने घर के कामों के लिए ये बाइक खरीदता था। दोस्तों हेलमेट्स नहीं लगाए हैं क्योंकि लोकली रोड है ये, गांव की अपनी खेत वाली रोड है, हाईवे के ऊपर नहीं जा रहे हैं, और गाड़ी आराम आराम से चलाएंगे। आपको पहले साउंड सुनवाता हूँ कि यामा RX 100 के साउंड कैसे है। सही है, कर दोबारा ही।
तो दोस्तों ये थी राइड यामा RX 100 की, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और क्या राय है आपकी यामा RX 100 के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए।